मस्त मन करता है कुछ ठंडा खाने का। तो आज हम बनाने वाले हैं ये बूंदी का रायता थोड़े से अलग तरीके से, और ये बहुत टेस्टी लगता है। जब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसके लिए हम लेंगे यहाँ पे बूंदी। यहाँ पे हमने हल्दीराम्स का बूंदी का पैकेट लिया है। यहाँ पे हमने 1.5 से 2 कटोरी फ्रेश दही ली थी। यहाँ पे फिर हमने लिया था भुना वजीरे का पाउडर, बारीक कटा हुआ धनिया और ग्रीन चिली, और यहाँ पे लिया था ब्लैक पेपर का पाउडर थोड़ा सा। सबसे पहले हम जो बूंदी का पैकेट है उसको ऐड कर देंगे गर्म पानी में 2 से 3 मिनट के लिए, तब तक ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, दैट्स इट। उसके बाद हमने यहाँ पे कर्ड में थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं मिल्क, क्योंकि कर्ड हल्की सी खट्टी लग रही थी, इसलिए मिल्क ऐड करके उसकी स्वीटनेस हो जाएगी थोड़ी सी, और रायते के लिए वो परफेक्ट रहती है। तो आप भी यूज़ कर सकते हैं टिप अगर आपको ज़रूरत लगे तो। उसके बाद यहाँ पे हमने जो बूंदी थी उसको छान लिया है। उसके बाद ठंडा पानी डाल करके इसको थोड़ा सा जो है हम मिक्स करके हल्का सा स्क्वीज आउट कर लेंगे, यानी हल्का सा निचोड़ के इसको हम ऐड कर देंगे। इससे बूंदी बिल्कुल सॉफ्टली ऐड हो चुकी है, आप देख सकते हो। अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, उसके बाद ऐड करेंगे भुना वजीरे का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और साथ ही मिर्च में ऐड कर देंगे ग्रीन चिली। ज़्यादा तीखी वाली नहीं थी, आप चाहें तो स्किप कर सकते हो, उसे टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये समर स्पेशल रेसिपी परफेक्ट है, बिल्कुल तैयार है लंच के लिए, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी, 5 मिनट में रेडी हो जाती है। बस जरूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, गेस्ट आने वाले तो उनके लिए भी रेसिपी बहुत अच्छी है। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी।